हे गाइस, तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एसर नाइट्रो हेडसेट का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है। जैसे यहाँ हमें देखने को मिल रहा है ये एसर का ब्रांडिंग, और यहाँ नाइट्रो हेडसेट लिखा हुआ है, जिसमें हमें पूरा पिक्चर भी दिखाई दे रहा है कि ये हेडसेट कैसा देखने में है। और इस साइड में अगर बात करते हैं तो यहाँ हमें मिलता है 50 mm का पावर ड्राइवर यूनिट और क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब ये कोई भी प्लेटफॉर्म में सपोर्ट करेगा, जैसे स्मार्टफोन, PC और कोई भी और अदर डिवाइसेस में। और इस तरफ हमें देखने को मिलता है कुछ सेलर का इन्फॉर्मेशन है, और इस तरफ नाइट्रो हेडसेट लिखा हुआ है, और यहाँ पर पीछे की तरफ आपको प्राइसिंग दिखाई देगा, यहाँ ₹5,999 मीन्स कि 6,000 के अराउंड। तो ये तो ऐसे जस्ट लिखा हुआ है, ये इसका प्राइस नहीं है। तो इसका फ्लिपकार्ट में प्राइसिंग वेरी करता है, जैसे कि मैं जिस वक्त ख़रीदा था तो उस टाइम मुझे फ्लैश सेल में आप बोल सकते हैं मिला है, ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड मिकी AK वीडियो, क्योंकि उसी ने मुझे नोटिफाई किया था कि एक फ्लैश सेल चल रहा है, तो जिससे मुझे ये एक नॉर्मल डेज में ये यूजुअली 1000 के अराउंड प्राइसिंग रहता है इसका, जैसे 1200 और 1400 का आसपास, तो मुझे ये मिला 600 में, मतलब 599 में। तो ये आपको भी कैसे इसी प्राइस रेंज के आसपास मिलेगा वो मैं सब बताऊँगा इस वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो हमें ये सबसे पहले हेडसेट दिखाई दे रहा है, तो इसको पुल करते हैं। ओके, कुछ अंदर है। ओके, बॉक्स के अंदर हमें तो अभी और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमें कुछ यूज़र मैनुअल और कुछ गाइड मिलता है, जो कि अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वायर को निकाल लेते हैं। ओके, और यहाँ हमें मिलता है हेडफोन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं इस हेडफोन का, तो पहले वो देख लेते हैं। तो ये हेडफोन हमें प्लास्टिक बिल्ड का मिलता है, मतलब ये पूरा जो कवर है इस हेडफोन का ये प्लास्टिक से बना हुआ है, हेडफोन का ये प्लास्टिक का मिलता है हमें। और ये प्लास्टिक हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं ये मतलब देखने में एकदम प्रीमियम लुक देता है, प्लास्टिक का बना हुआ है फिर भी एक प्रीमियम का फीलिंग देता है, जैसे कि एक मेटल हो गया। तो ये हमें मैट फिनिश का देखने को मिलता है, ये जो डिज़ाइन है मैट फिनिश्ड है। और हेडफोन के इस तरफ एसर लिखा हुआ है और इस तरफ नाइट्रो। तो ये जो हेडफोन है मुझे एकदम गेमर के लिए लग रहा है, जो डिज़ाइन बनाया गया है एकदम गेमर्स के लिए। और यहाँ पर जो आपको रेड एक्सेंट दिखाई देता है, ये रेड एक्सेंट कोई मतलब लाइटिंग नहीं है, मतलब इसमें कोई RGB लाइटिंग आपको नहीं मिलता है, ये जस्ट एक कलर किया हुआ है ऐसे ही। और आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं यहाँ से पुल करके, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पुल करके आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आपके हेड के साइज़ के अनुसार। तो यहाँ पर हमें माइक देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, मतलब इसका माइक दूसरे हेडफोन से कुछ ज़्यादा ही लंबा है, मतलब आपके ठीक माउथ के सामने ये साउंड को कवर कर लेगा। और इस तरफ आपको होल मिलता है माइक का, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर साइड, यहाँ होल मिलता है। और ये हो गया आपका हेडफोन। और इसका वायर अभी तो ये अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये वायर का लेंथ काफ़ी लंबा है। तो बात कर लेते हैं इसके कंफर्ट की, मतलब ये जो कुशन हमें दिया गया है यहाँ पर दोनों साइड में हेडफोन का, ये कुशन बहुत ही सॉफ्ट है और मुझे लगता है ये कंफर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको कंफर्टेबल फीलिंग होगा इसको जब पहनेंगे आप। और ऊपर की तरफ आपको हेड के यहाँ पर एक कुशन मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कुशन मिल जाता है, तो ये भी बहुत सॉफ्ट है।
तो आपको शायद उतना इरिटेटिंग फील नहीं होगा। हाँ, इसका वेट भी मतलब दूसरे हेडफोन जैसा ही है, ना तो उतना भारी ना तो उतना लाइट, मतलब मीडियम वेट का ये हेडफोन है, तो आपको शायद उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसका जो मेन चीज़ है वो है साउंड। तो मैंने इसको 2-3 घंटे तक सुना है, तो मुझे इसका साउंड, अगर रियली आप बात करें कि मेरा रियल ओपिनियन क्या है, तो ये हेडफोन मुझे साउंड के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका जो साउंड है बहुत ही लो है, और जो बेस आपको यहाँ से मिलता है वो मतलब बिलो एवरेज है, मतलब उतना अच्छा नहीं है जैसे आपको इस प्राइस रेंज में, मतलब अभी जो फ्लिपकार्ट में प्राइस चल रहा है इस हेडसेट का 1,300 या 400 के आसपास, तो ये इस प्राइस के अनुसार आपको बहुत हेडफोन कंपनीज मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छा साउंड देंगे। तो मुझे नहीं लगता, अगर साउंड के लिए आप अगर ये हेडफोन ख़रीद रहे हैं तो बिल्कुल भी मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। पता नहीं कि ये मेरा ही हेडसेट के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो अगर बाकी किसी को भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मतलब एक अगर आप 1,000 के अराउंड कोई हेडफोन के लिए आप खर्च कर रहे हैं, तो आपको अगर साउंड अच्छा नहीं मिले तो जाहिर से बात है कि आपको ये अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे नहीं लगता ये हेडफोन आपको मतलब सेटिस्फाई कर पाएगा। तो ये तो हो गया हेडफोन का साउंड के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं इसका जो माइक है उसका साउंड आउटपुट कैसा है। तो मैं एक रिकॉर्ड आपको सुनाऊंगा कि इस माइक से कैसा साउंड रिकॉर्ड होता है। हे गाइस, तो ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये एसर के नाइट्रो हेडसेट से लिया गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा आवाज़ क्लियरली आ रहा है कि नहीं, और लाइक और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसा रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियोस लाता रहूँगा। तो जैसे कि आप देखें कि इसका जो आउटपुट है माइक का वो एकदम एज इट इज़ सेम मिलता है जैसे कि आप एक नॉर्मल हेडफोन में यूज़ करते हैं। मतलब ये माइक का सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो ये है कि एकदम माउथ के सामने ये माइक आपका रहेगा बस, और साउंड आपका सेम ही देगा जैसे आप एक नॉर्मल हेडफोन में यूज़ करते हैं। कोई इतना ऐसा नहीं है कि आपको HD साउंड सुनाई देगा और कुछ, आपको सेम साउंड सुनाई देगा। तो अब बात कर लेते हैं इसका प्राइसिंग की। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि मैंने इसको बाय किया है 600 रुपीज़ में, तो आप भी ये कैसे बाय कर सकते हो वो हम पहले बात कर लेते हैं। तो आपको बस करना ही है ऐड टू कार्ट कर ले, मतलब ये फ्लिपकार्ट में आपको मिलेगा, अमेजोन में शायद आपको ये अभी तक नहीं मिलेगा। तो जब आप फ्लिपकार्ट में इसको ख़रीदेंगे तो ऐड टू कार्ट कर लीजिए इसको। ऐड टू कार्ट करने के बाद ये आप वेट कीजिए दोपहर का, मतलब इसको आप बाय करेंगे दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच में। मतलब हर दिन ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको ये ऑफ़र मिलेगा, कोई भी दिन आपको ये ऑफ़र मिल सकता है, वो भी आता है 2 मिनट के लिए, कभी कभी 5 मिनट के लिए आता है। तो आपको ये बार बार ट्रैक करना पड़ेगा कि कब ऑफ़र दे रहा है ऐसा। तो अचानक आप देखेंगे वो 599 में आपका प्राइसिंग दिखाई देगा, तो उसी टाइम आप उसको बाई कर लीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि ये आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना जल्दी इसको ख़रीद रहे हैं। तो अगर आप 600 के अराउंड इसको ख़रीद रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि ठीक है, आप एक हेडफोन चाहते हैं जो गेमर जैसा लुक देता है तो ये ले सकते हैं आप। लेकिन आप अगर 1,000 के अराउंड अगर इसको ख़रीदते हैं तो मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि उतना पैसा खर्च करके इसको लें, क्योंकि इससे अच्छा भी आपको बहुत सारा हेडफोन मिल जाएगा। तो मैं ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहूँगा, कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू या अनबॉक्सिंग। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।